तो स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बाउत, तो और हम बात जो करने वाले हैं वो है यूआरओ एग्जाम को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो इसके संदर्भ में जो नगर पालिका अधिनियम 2009 है, तो उसके अंतर्गत स्वायत्त शासन विभाग का जो नोटिस फ्रेश नोट है वो 2016 का जो अमेंडमेंट हुआ उसकी हम बात करेंगे। तो इसके संदर्भ में जो अधिसूचना है, इसके संदर्भ में कर को लेकर बात है, टैक्स को लेकर। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी टैक्स मुक्त कौन कौन से होंगे। तो देखें, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का राजस्थान अधिनियम संख्या 18 की धारा 102 के तहत द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, याद रखिएगा ये शक्ति में कौन सा दी गई शक्ति के प्रयोग 102 में है, याद रखिएगा, प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतहत निर्देश देता है कि राजस्थान राज्य के समस्त नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं द्वारा अपने क्षेत्रों में स्थित भूमि या निर्मित क्षेत्र क्षेत्रों तल पर तुरंत प्रभाव से निम्न अनुसार कर लिया जाएगा। कर से भूमि पर कोई कर नहीं लगेगा, एग्रीकल्चर लैंड है उस पर कोई कर नहीं लगेगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कर का निर्धारण संपत्ति के वर्गीकरण के अनुसार निम्न सूत्रों के आधार पर किया जाएगा, ये फॉर्मूले भी अपन को याद रखने हैं, देखिएगा। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले आवासीय इकाई पर कर। अगर आपको रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल का आपको टैक्स बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, भूमि का क्षेत्रफल वर्ग गज में लेंगे, गज में होगा, या इनटू है प्रति वर्ग क्षेत्र। देखो, एक तो प्लॉट एरिया हो गया, और उसके बाद यहाँ की आवासीय यानी कि क्षेत्र की आवासीय यानी कि डीएलसी होगी यहाँ, ठीक है ना, ये प्लॉट एरिया और यहाँ डीएलसी होगी, डीएलसी क्षेत्र की आवासीय, ठीक है यहाँ। और उसके बाद ऐसे 2000 से क्या करेंगे अपन, भाग दे देंगे, वही क्षेत्र यही होगा। देखें, बहुमंजिला भवनों में फ्लैट के कर को निर्मित तल क्षेत्र के आधार पर लिया जाएगा, ठीक है। तल क्षेत्र का जो वर्गज होगा वो यानी प्लॉट एरिया वर्गज में लेंगे, फिर डीएलसी होगी, इनको ये गुणा है इधर, फिर 2000 से भाग दे देंगे, ठीक है। और ये बहुमंजिला इमारत में है ये, ठीक है। और संस्थानिक औद्योगिक इकाई पर जो कर लगेगा यानी कि इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल के जो कर लगेगा वो लगेगा भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र जो भी अधिक हो, भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र जो भी। आप अपन देखो, या तो हम भूमि ले लेंगे या निर्मित क्षेत्र ले लेंगे, जो भी होगा अधिकतम लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे हम, अधिकतम लेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी अपन की जो है संस्थानी की डीएलसी उधर की एरिया की हो जाएगी। और उसके बाद अब 2 से क्या कर देंगे, 2000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। व्यवसाय इकाई कर निर्धारण की बात करें तो भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र जो भी अधिक हो उसका वर्ग गज में ले लेंगे, ठीक है, व्यवसायिक में इंडस्ट्रियल में, और उसके बाद डीएलसी ले लेंगे गुणा में, फिर 2000 का भाग दे देंगे, ठीक है। आगे देखें, नगरीय विकास कर भूमि निर्मित भवन के क्षेत्र वार्षिक आधार एवं इकाई आधार पर निम्न अनुसार देय होगा। नगरीय विकास कर भूमि भवन निर्मित, देखते हैं, कर का निर्धारण संबंधित क्षेत्र की 1 अप्रैल को प्रभावी जो भी है, प्रभावी के अनुसार 1 अप्रैल को प्रभावी जो डीएलसी है उसके अकॉर्डिंग अपन लेंगे। जिस क्षेत्र की औद्योगिक डीएलसी तय नहीं है उन क्षेत्रों के लिए आसपास के क्षेत्र की औद्योगिक दरें प्रभावी रहेगी, यानी डीएलसी है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ से डीएलसी जो है लेते हैं। अगर वहां उस क्षेत्र की नहीं है तो आसपास का जो एरिया होगा उसकी हम लगा देंगे। करदाता द्वारा स्वयं कर का स्वनिर्धारण किया जा सकेगा, करदाता द्वारा स्वयं कर का स्वनिर्धारण किया जा सके, खुद कर सकता है। कर का निर्धारण संपत्ति के वास्तविक उपयोग के आधार पर किया जाएगा, आवंटन चाहे किसी भी उपयोग के लिए हो, अर्थात यदि संपत्ति का आवंटन आवश्यक किया गया था और उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जाए तो व्यावसायिक दर से ही कर लगेगा, यानी कि मौके पर आप किस यूज में ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग लगेगा। कर का दायित्व स्वामी एवं अधिवास के आधार पर होगा, स्वतंत्र आवास में कर का निर्धारण भूमि के क्षेत्र के आधार पर किया जाएगा, फ्लैट पर कर निर्धारण बने हुए क्षेत्र वर्ग गजों के आधार पर किया जाएगा। संपत्ति के बंटवारे की स्थिति में जिसके पास जितने क्षेत्र का फ्लैट होगा उसके अनुसार ही कर का निर्धारण किया जाएगा, कि जितने क्षेत्र का फ्लैट होगा, संपत्ति के बंटवारा हो गया, आप मान लो आपका बंटवारा हो गया, आपके हिस्से में कितना फ्लैट आ रहा उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। व्यावसायिक औद्योगिक संस्थानिक परिसरों में भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र गज में जो भी अधिक होगा उसके आधार पर ही कर की गणना की जाएगी। ऐसे आवासीय व्यावसायिक औद्योगिक परिसर जहाँ एक से अधिक मालिकों की संपत्ति है उनके लिए अलग अलग निर्मित क्षेत्र के आधार पर कर की गणना होगी, यानी बहुमंजिला इमारत है, ठीक है ना, अलग अलग मालिक हैं, मल्टी ओनरशिप है, तो अलग अलग मालिकों का उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। 100 वर्ग गज से अधिक की व्यावसायिक भूमि पर अलग अलग मालिकों के निर्मित क्षेत्र के आधार पर अलग अलग कर का निर्धारण किया जाएगा। 300 वर्ग गज क्षेत्र से अधिक की औद्योगिक भूमि, औद्योगिक उपयोग की संपत्तियों पर अलग अलग मालिकों के निर्मित क्षेत्र के आधार पर
अलग अलग कर निर्धारण किया जाएगा। केंद्र सरकार की व्यावसायिक उपयोग में आ रही संपत्तियों पर भी कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार की अगर व्यावसायिक उपयोग में कोई संपत्तियां आ रही है उस पर भी टैक्स लिया जाएगा। ये कर सभी निजी स्वामित्व की संपत्तियों, सार्वजनिक उपक्रमों, मंडलों, निगमों आदि पर लागू होगा, ठीक है ना। ये कर सभी निजी स्वामित्व की संपत्तियां हो जाएगी, सार्वजनिक उपक्रम के हैं, मंडल है, निगमों आदि पर लागू होगा, ठीक है ना। 300 वर्ग गज तक की आवासीय औद्योगिक संस्थानिक भूमि जिस पर आवासीय औद्योगिक संस्थानिक निर्माण के अतिरिक्त 900 वर्ग फुट से कम का व्यावसायिक निर्माण है तब कर नहीं लगेगा। देखो आवासीय में, इंडस्ट्रियल में, ठीक है, और संस्थानिक में भूमि पर जिस पर जो है आपके 900 वर्ग फुट से कम का अगर व्यावसायिक निर्माण है तब आपके नहीं लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यदि 300 वर्ग गज में यानी 900 वर्ग फुट से अधिक का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है तो व्यावसायिक उपयोग में लिए जा रहे संपूर्ण निर्मित क्षेत्र पर व्यावसायिक दर से कर लगेगा, यानी 300 वर्ग गज से ऊपर का उसमें टैक्स लगेगा। 300 वर्ग गज से अधिक की आवासीय औद्योगिक संस्थानिक उपयोग की भूमि जिस पर व्यावसायिक निर्माण 900 वर्ग फीट से कम है उस पर आवासीय औद्योगिक संस्थानिक दर से कर लगेगा। लेकिन व्यावसायिक निर्माण अगर आपका इंडस्ट्रियल जो निर्माण है वो आपका 900 वर्ग फीट से अधिक होने पर भूमि के लिए आवासीय औद्योगिक संस्थानिक दर से कर वसूल किए जाएंगे। इस वसूल इसके साथ साथ समस्त व्यावसायिक उपयोग क्षेत्र के आधार पर व्यावसायिक दर से लगेगा, यानी कि आपके जरूरी नहीं है 300 वर्ग गज की बात है, कमर्शियल आपका हो गया तो 100 स्क्वायर फीट से स्क्वायर यार्ड से आगे का भी लग जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 120 के अनुसार, याद रखिएगा धारा 120 के अनुसार भूमि, भवन स्वामी और संपत्ति के वास्तविक उपयोगकर्ता किराएदार भी नगरीय विकास कर जमा करा सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं मालिक ही कराए, उसका जो मौजूदा में जो उपयोगकर्ता है जो किराएदार भी रह रहा हो वो भी करवा सकता है, ठीक है ना। एवं किसी परिसर में एक से अधिक यूनिट होने पर केवल उन यूनिटों के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने कर का भुगतान नहीं किया। अगर यूनिट अलग अलग है तो उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी जिसने कर का यानी जो जिन्होंने टैक्स नहीं दिया। भूखंड पर आवासीय परिसर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण के बाद उस आवासीय परिसर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के अलग अलग खरीदारों से उनके निर्मित क्षेत्र के आधार पर अलग अलग कर निर्धारण किया जाएगा। खरीदार अलग अलग नगरीय विकास कर जमा कराएंगे, यानी कॉम्प्लेक्स अगर हुआ तो व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स पर अलग अलग कर लगेगा सबका। ऐसी भूमि जिन पर आवासीय व्यवसायिक औद्योगिक कार्य हेतु अलग अलग यूनिटों के रूप में निर्माण किया जा रहा है तो ऐसे परिसरों के कर का निर्धारण फ्लोर वाइज किया जाएगा, फ्लोर वाइज TLC जो होगी वो लेंगे। भूमि के स्वामी आदिवासी द्वारा कर का निर्धारण करते हुए नगर पालिका के काउंटर अथवा ऑनलाइन जमा करा सकते हैं, यानी ये कर का निर्धारण जो है आप केस नहीं दे सकते, आपको काउंटर पर आना पड़ेगा नगर पालिका के, ठीक है, और अथवा यहाँ पर ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। जिन करदाताओं ने कर जमा नहीं करवाया है मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा उनकी संपत्ति का कर निर्धारण किया जाएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 115 के अंतर्गत पेनल्टी के रूप में राशि वसूल की जाएगी, याद रखना 115 के अकॉर्डिंग क्या होगी, धारा 115 पेनल्टी लेगी। बजट होटल वो 1-2-3 स्टार होटलों पर निर्मित क्षेत्र पर औद्योगिक दर से कर लगेगा, यानी आपकी होटल है 1-2-3 स्टार की अगर होटल है तो आपको जो है उसमें औद्योगिक दर यानी इंडस्ट्रियल बेस पे जो है वो कर लगेगा, और फोर स्टार और फाइव स्टार होटलों के निर्मित क्षेत्र पर कर की दर औद्योगिक कर का दुगना होगी, यानी इंडस्ट्रियल कर की दो गुना कर लगेगा। ये 1-2-3 स्टार तक तो इंडस्ट्रियल रेट से लगेगा और 4 और 5 स्टार की होटल है तो उसपे इंडस्ट्रियल जो टैक्स होगा उसका 2 गुना लगेगा। सभी श्रेणी की होटलों में खाली भूमि पर औद्योगिक दर का 50% देय होगा, यानी सभी खाली जो भूमि होगी उसका औद्योगिक जो दर लगेगी उसका 50% आपको देना होगा, ठीक है। हेरिटेज होटल संपत्तियों पर निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर औद्योगिक दर के बराबर की गणना की जाएगी, इन पर स्थित खाली भूमि पर कोई कर नहीं लगेगा। हेरिटेज होटल है इन पर आपके औद्योगिक दर के हिसाब से लगेगी, खाली भूमि होगी उस पर कोई कर नहीं लगेगा, यानी जो बिल्डअप होगा उसी पे लगेगा। पंजीकृत मनोरंजन क्लब ऐसे क्लब जो अपने सदस्यों के सामाजिक कार्यक्रमों, क्लब के उद्देश्य अनुसार क्लब की संपत्ति का उपयोग करते हैं, व्यवसायिक उपयोग नहीं करते हैं के निर्मित क्षेत्रफल संस्थानिक दर कर प्रभावी होगा, लेकिन खाली भूमि पर संस्थानिक दर का 50% लगेगा।
खाली भूमि होगी उसका 50% लगेगा, ठीक है ना। व्यावसायिक उपयोग नहीं करते हैं तो निर्मित क्षेत्रफल पर संस्थानिक जो इंस्टीट्यूशन के हिसाब से लग जाएगा, ठीक है। समस्त शैक्षणिक संस्थान, समस्त अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, रोग निदान केंद्र के केवल निर्मित क्षेत्रफल ही कर की गणना की जाएगी, संस्थानिक दर के आधार पर कर की गणना। यानी कि जो इंस्टीट्यूशन आएंगे यानी स्कूल्स वगैरह हो गए, ठीक है ना, अस्पताल आ गए, डायग्नोस्टिक सेंटर आ गया, रोग निदान केंद्र है, तो उस पर केवल जो बिल्डअप एरिया होगा उसी पे लगेगा, प्लॉट एरिया कितना है, कितनी जमीन है उस पर नहीं लगेगा, ठीक है ना। धर्मशाला, सराय, मुसाफिर खाना पर आवासीय दर का 20% 20% नगरीय विकास कर लगेगा। धर्मशाला है, सराय है, मुसाफिर खाना है, उस पर जो आपकी रेजिडेंशियल का जो टैक्स लगेगा उसका 20% लगेगा। रिको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित समस्त प्रकार की इकाइयों पर नगरीय विकास कर दे ही नहीं होगा, जो रिको की इंडस्ट्रियल का अकॉर्डिंग जो इकाइयां आएगी, ठीक है ना, उसके उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। परंतु ऐसी भूमि जिन पर व्यवसायिक क्षेत्र यानी कि शोरूम है, दुकान है, सिनेमा है, मल्टीप्लेक्स है, शैक्षणिक आवासीय परिसर निर्मित कर दिए गए हैं, उन पर उपयोग के अनुसार तो टैक्स लगेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में 1 अप्रैल को लागू डीएलसी के आधार पर ही पूरे ये डीएलसी ना है, ठीक है ना, यहाँ डीएलसी लिखा हुआ, पूरे वर्ष कर का निर्धारण किया जाएगा। प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में 1 अप्रैल को नगरीय विकास कर दे हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करें उक्त कर नगरीय निकाय में जमा कराने की प्रक्रिया निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है। अब देखते हैं किसको कितनी छूट मिलेगी, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।